हेलो गाइस, वेलकम टू विवेक पाठशाला। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन, जिसका हमारा लेक्चर नंबर सेकंड होने वाला है, या बात करें अवकलन, जिसका हमारा लेक्चर नंबर सेकंड होने वाला है। तो गाइस, इससे जो पहला लेक्चर था हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट, उसमें हमने बात की थी व्हाट इज डिफरेंशिएशन या अवकलन हमारा क्या होता है। साथ में हमने बात की थी फॉर्मूले और हमने कुछ बेसिक्स अपने क्वेश्चन किए थे, किस तरीके से हमारे क्वेश्चन बनते हैं डिफरेंशिएशन के और किस तरीके से हम आसानी से डेरिवेटिव या अवकलन या डिफरेंशिएशन करते हैं, या बात करें किस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन का dy / dx आसानी से फाइंड करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो गाइस, जैसे ही हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे, उसमें हम किस तरीके से बोर्ड एग्जाम हमारे क्वेश्चन पूछता है उनकी भी हम बात करेंगे। आज का हमारा लेक्चर लेक्चर नंबर सेकंड, जिसमें हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। तो गाइस, बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है गाइस हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई इक्वल्स टू ए की पावर एक्स। आज का लेक्चर हमारा है टाइप टू। तो गाइस, आज का हमारा लेक्चर टाइप टू होने वाला है। तो गाइस, सबसे पहले क्वेश्चन है वाई इक्वल्स टू ए की पावर एक्स। इससे पहले लेक्चर में हमने आपको बताया कि जब भी हम सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन का यूज़ करते हैं, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसको यहाँ पे हम लिखते हैं। ये तो है गाइज हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। अगर बात करें हिंदी मीडियम के लिए, तो दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष, विद रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो गाइज, ये लाइन है हमारे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। सबसे पहले ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, वाई का होता है dy / dx बराबर। हमने आपको फॉर्मूले में भी लिखाया कि e की पावर एक्स का हमारा डिफरेंशिएशन या अवकलन होता है e की पावर एक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं जिसका भी करते हैं डिफरेंशिएशन या अवकलन, उसके आगे यूज़ करते हैं d / dx, और जो हमारा फंक्शन होता है उसको हम एज इट इज़ रख देते हैं। फाइनली dy / dx और हमारा आंसर भी आ चुका है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन या अवकलन हमारा होता है e की पावर x, और फाइनली हमारा आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो dy / dx बराबर e की पावर x। तो गाइस, अब जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चनों में हम ये वाली लाइन नहीं लिखेंगे, आप इसको अपने आप लिख सकते हैं। केवल हम आपको मेथड सिखाएंगे किस तरीके से हम डिफरेंशिएट करते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड, वाई इक्वल्स टू e की पावर 2x। अगर बात करें इसकी, तो dy / dx, तो गाइस ये इसका होने वाला है सॉल्यूशन, y का होता है dy / dx बराबर। तो गाइस, e की पावर 2x, इसके आगे लगाने वाले हैं d / dx, फंक्शन है हमारा e की पावर 2x। तो dy / dx बराबर, गाइस हमें पता है कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन हमारा होता है e की पावर x। सबसे पहले सिंपली लिखेंगे तो e की पावर 2x, जिसका होता है e की पावर 2x। अगर यहाँ पे होता हमारा x, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन हमारा होता है 1, इसको आप लिख लेना x का डिफरेंशिएशन d / dx x, जिसका डिफरेंशिएशन गाइज हमारा होता है 1, इसको आप नोट पॉइंट में लिख लेना। लेकिन यहाँ पे है गाइज हमारा e की पावर 2x, तो जब x का होता है 1, सिंपली 2x का हमारा होने वाला है 2, 3x का 3, 4x का 4, 5x का 5, तो सिंपली 2x का भी हमारा अगेन होगा, और जो कि होता है 2। तो हम इसको लिख सकते हैं फाइनली dy / dx बराबर 2 into e की पावर 2x, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, और उसका हमारा फाइनली आंसर आ चुका है dy / dx बराबर 2 into e की पावर 2x। तो गाइस, यहाँ पे था हमारा e की पावर x, जिसका सिंपली होता है e की पावर x। अगर हम आपको यहाँ पे सो भी करके दिखाएं, तो x का होता है 1, और जिसको हम सो नहीं करते, कभी आप सोचने लगो कि हमने यहाँ पे अगेन क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे है e की पावर 2x, तो e की पावर 2x का e की पावर 2x, और फिर 2x का हमारा होता है इनटू में 2। इसको आप थोड़ा सा अपने माइंड में भी याद रखना किस तरीके से हम डिफरेंशिएशन करते हैं। इसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, अगर क्वेश्चन नंबर 3 देखें, y इक्वल्स टू e की पावर 3x, तो गाइज y इक्वल्स टू e की पावर 3x, जिसका आने वाला है dy / dx बराबर। तो गाइज e की पावर 3x का e की पावर 3x,
और 3x का हमारा होता है 3, और सिंपली हम इसको लिख सकते हैं dy अपॉन dx बराबर 3 इंटू ई की पावर 3x। और फाइनली हमारा आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3 का, किस तरीके से हम टाइप 2 या e की पावर x के फॉर्मूले पे अपने डिफरेंशिएशन करते हुए जाएंगे वो हम सीखने वाले हैं। तो गाइस आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, जस्ट इसके बाद में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो गाइस 1, 2, 3, 4, तो गाइस आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 जो भी हमारे होने वाले हैं। तो गाइस इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल्स टू e की पावर 7x। तो dy अपॉन dx बराबर, तो गाइस e की पावर 7x जिसका होने वाला है e की पावर 7x, और 7x का हमारा होने वाला है 7, और सिंपली इसको लिखने वाले हैं dy अपॉन dx बराबर, तो गाइस 7 इंटू e की पावर 7x जो कि हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 4, और जिसका फाइनली आंसर आ चुका है 7 इंटू e की पावर 7x, क्योंकि e की पावर 7x ऑन द बेसिस ऑफ e की पावर x, तो e की पावर 7x का गाइस हमारा होता है e की पावर 7x, और 7x का इंटू में 7। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, y इक्वल्स टू e की पावर माइनस में 3x है गाइस पावर हमारी, अब की हमारी पावर है नेगेटिव, सिंपली dy अपॉन dx बराबर e की पावर माइनस का 3x, सिंपली ऐसे आने वाला है e की पावर माइनस का 3x, और माइनस के 3x जिसका होने वाला है माइनस का 3। तो गाइस dy अपॉन dx बराबर माइनस का 3 और इंटू में e की पावर माइनस का 3x। अब आप यहां पे सोचने वाले होंगे क्वेश्चन करते करते कि सर हमारा 3x का 3, 2x का 2, 5x का 5 या 4x का 4 हमारा क्यों होता है, और हमारा x का डिफरेंशिएशन 1 क्यों होता है। तो गाइस आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, जस्ट उसको भी हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस 1, 2, 3, 4, तो गाइस अब बात करते हैं कि जो आपका डाउट आने वाला है, बात करें आपके डाउट की, तो गाइस y का होता है dy अपॉन dx बराबर, तो गाइस x की पावर हमारी यहाँ पे 1 होती है जिसको हम सो नहीं करते। अब हम बात करने वाले हैं कि y इक्वल्स टू x, हमने आपको बताया कि y इक्वल्स टू x अगर होता है तो उसका डिफरेंशिएशन गाइस हमारा होता है 1, लेकिन कैसे होता है, या अगर बात करें y इक्वल्स टू 2x और जिसका होता है गाइस हमारा dy अपॉन dx बराबर 2, किस तरीके से हमारा आता है, क्योंकि जो हमने क्वेश्चन किया, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, e की पावर 2x का e की पावर 2x, और 2x का हमारा 2 क्यों होता है उसको हम क्लियर करते हैं। तो गाइस x की पावर 1 जिसको हम सो नहीं करते, यहाँ पे हम फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं d अपॉन dx x की पावर n जो कि होता है n इंटू x की पावर n माइनस 1, क्योंकि x की पावर होती है तो हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। सिंपली पावर आगे 1 इंटू, इसके बाद x, और गाइज जो पावर होती है, पावर है 1, इसमें से फिर हम करते हैं माइनस का 1, क्योंकि पावर है गाइज हमारी 1, तो n की वैल्यू 1, इसके बाद माइनस 1, तो माइनस 1, सिंपली आने वाला है x की पावर 0, और x की पावर 0 जिसकी वैल्यू हमारी होती है 1। तो गाइज आप समझ चुके होंगे कि y इक्वल्स टू x या x का डिफरेंशिएशन हमारा होता है 1, इसको आप अपना स्टार पॉइंट बना लेना। अगर गाइज यहाँ पे होता हमारा 2x अगर बात करें, तो अगर इसको हम करें सॉल्यूशन इसका, सिंपली हमारा आने वाला है 2, लेकिन किस तरीके से आता है उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो गाइज y का होता है dy अपॉन dx बराबर, तो गाइज जब भी हमारा मल्टीप्लाई में होता है कॉन्स्टेंट नंबर, तो वो सिंपली हमारा ऐसे ही आता है, और हमने आपको बताया कि x का डिफरेंशिएशन हमारा होता है 1, तो इंटू में 1, तो गाइज dy अपॉन dx बराबर, तो गाइज 2x का जो कि सिंपली आने वाला है हमारा 2। अगर बात करें सिंपली ऐसे ही, तो y इक्वल्स टू 3x जिसका डिफरेंशिएशन गाइज हमारा आने वाला है 3, तो dy अपॉन dx बराबर 3 जो कि है गाइज हमारा फंक्शन y बराबर 3x। तो गाइज 3x का 3, 2x का 2, 5x का 5, 7x का 7 हमारा आता है। अगर नेगेटिव होता है हमारा कि y इक्वल्स टू माइनस का 2x, तो जिसका डिफरेंशिएशन हमारा आता है माइनस का 2, अगर फंक्शन होता है माइनस का 3x, तो जिसका आता है dy अपॉन dx बराबर माइनस का 3। तो गाइज ये आपको पॉइंट बना के लिखना है कि x का डिफरेंशिएशन हमारा होता है 1, और अगर हमारा कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर आगे आता है तो वो सिंपली ऐसे ही आता है, और x का गाइज हमारा होता है इंटू में 1, जो कि हमने आपको समझाया। तो गाइज अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की, जस्ट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो गाइज अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की,
तो y इक्वल्स टू ए की पावर माइनस एट एक्स। सिंपली हमने आपको बताया कि y का होता है dy अपॉन dx बराबर e की पावर माइनस का एट एक्स, सिंपली ऐसे ही आने वाला है। इसके बाद में माइनस का एट एक्स जिसका होता है माइनस का एट, ये डाउट हमने आपका क्लियर किया कि एट एक्स का हमारा होता है एट, यहाँ पे है माइनस का एट एक्स जिसका आने वाला है माइनस का एट। सिंपली हमारा आंसर आने वाला है फाइनली dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस का एट इंटू e की पावर माइनस का एट एक्स, जो कि है गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर जो भी हमारा होगा। तो गाइज यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन नंबर लिख लेना। तो गाइज ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो y इक्वल्स टू e की पावर माइनस का एट एक्स जिसका हमारा आ चुका है माइनस का एट इंटू e की पावर माइनस का एट एक्स। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो गाइज y इक्वल्स टू e की पावर माइनस का 12x, y का होता है सिंपली dy अपॉन dx बराबर। तो गाइज e की पावर माइनस का 12x जो कि ऐसे ही आने वाला है, और माइनस के 12x जिसका होता है माइनस का 12। सिंपली dy अपॉन dx बराबर माइनस का 12 और साथ में e की पावर माइनस का 12x, जो कि फाइनली हमारा आंसर आ चुका है जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर था। तो गाइज ये थे हमारे टाइप टू के क्वेश्चन। तो गाइज पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो गाइज 1, 2, 3, 4। तो गाइज आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। गाइज अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप विवेक पाठशाला को ज्वाइन करके वहाँ पे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी क्वेरी को कवर कर पाए। तो गाइज इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज वाई इक्वल्स टू साइन एक्स, वाई इक्वल्स टू साइन एक्स। तो गाइज वाई का होता है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, साइन एक्स का गाइज हमारा होता है कोस एक्स, जो कि हमने आपको फॉर्मूले में भी बताया। इसके बाद है गाइज वाई इक्वल्स टू कोस एक्स। तो गाइज वाई का होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो गाइज कोस एक्स का हमारा होता है माइनस का साइन एक्स, जो कि गाइज हमारा फॉर्मूला भी होता है। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो वाई इक्वल्स टू साइन 2x, सिंपली y का होता है dy अपॉन dx, सबसे पहले साइन x जिसका होता है cos x, लेकिन यहाँ पे है गाइज हमारा साइन 2x, तो साइन 2x का हमारा होने वाला है cos 2x। जैसे e की पावर 2x का e की पावर 2x होता है और फिर 2x का हम अगेन करते हैं, वैसे ही यहाँ पे 2x का अगेन होने वाला है, और जो कि होता है गाइज हमारा 2। तो गाइज फाइनली dy अपॉन dx बराबर 2 इंटू cos 2x, जो कि गाइज हमारा फाइनली आंसर आ चुका है। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो y इक्वल्स टू कोस 3x। तो गाइज y का होता है dy वाई अपॉन डी एक्स बराबर कोस 3x का गाइज हमारा होने वाला है माइनस का साइन 3x, क्योंकि गाइज कोस x का हमारा होता है माइनस का साइन x, सिंपली कोस 3x जिसका होने वाला है माइनस का साइन 3x, और फिर 3x का हम अगेन करते हैं, तो गाइज 3x का हमारा होने वाला है 3, और सिंपली या फाइनली हमारा आंसर आ चुका है dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस 3 साइन 3x, और फाइनली हमारा आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर जो भी हमारा था। तो गाइज अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो गाइज पहले आप लोग उसका स्क्रीनशॉट 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो गाइज इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन y इक्वल्स टू साइन 5x। अगर बात करें इसके डिफरेंशिएशन की तो सिंपली y का होता है गाइज हमारा dy अपॉन dx इक्वल्स टू गाइज साइन 5x जिसका होने वाला है हमारा cos 5x, और फिर 5x का हम करते हैं अगेन, और फाइनली हमारा आने वाला है dy अपॉन dx बराबर 5 इंटू cos 5x, और फाइनली हमारा आंसर भी आ चुका है जो भी हमारा क्वेश्चन था। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन y इक्वल्स टू साइन 7x। तो dy अपॉन dx बराबर साइन 7x जिसका होता है गाइज हमारा cos 7x, और 7x का हमारा होता है 7, या हम इसको लिख सकते हैं फाइनली dy अपॉन dx बराबर 7 इंटू cos 7x, जो कि हमारा फाइनली आंसर भी आ चुका है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन y इक्वल्स टू cos 10x। सिंपली अगर बात करें सॉल्यूशन की तो गाइज y का होता है dy अपॉन dx बराबर cos 10x, हमें पता है कि cos का होता है माइनस में, तो सिंपली माइनस का साइन 10x, और 10x का होता है गाइज हमारा 10, तो फाइनली dy अपॉन dx बराबर माइनस 10 साइन 10x, जो कि हमारा सिंपली आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर जो भी हमारा था। तो गाइज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद में हम बात करने वाले हैं y बराबर 10x,
और टेन एक्स पे किस तरीके से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो गाइज इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन y इक्वल्स टू टेन एक्स। अगर बात करें इसके सॉल्यूशन की सिंपली, तो गाइज क्वेश्चन है हमारा y इक्वल्स टू टेन एक्स। हमने आपको फॉर्मूले में भी बताया कि टेन एक्स का हमारा डिफरेंशिएशन गाइज होता है sec स्क्वायर x, और सिंपली हमारा आंसर भी आ चुका है। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो y इक्वल्स टू टेन थ्री एक्स सिंपली हमारा होने वाला है। तो गाइज y का होता है dy वाई अपॉन डी एक्स बराबर टेन थ्री एक्स। सबसे पहले लिखेंगे sec स्क्वायर 3x, जो भी होता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे sin 2x का होता है cos 2x, cos 2x का होता है माइनस के sin 2x। सिंपली हमारा tan 3x का सबसे पहले होने वाला है sec स्क्वायर, क्योंकि tan x, तो गाइज यहाँ पे x है तो यहाँ पे सिंपली हमारे फॉर्मूले में x आता है, और यहाँ पे है गाइज हमारा 3x तो यहाँ पे आने वाला है 3x। इसके बाद में 3x का अगेन करते हैं जो कि होता है 3, और फाइनली आने वाला है dy upon dx बराबर 3 sec स्क्वायर sec स्क्वायर और साथ में 3x, जो कि हमारा आंसर आ चुका है। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो y इक्वल्स टू tan 5x। तो गाइज y जिसका होता है dy upon dx डिफरेंशिएशन, तो गाइज y का होता है dy upon dx बराबर tan 5x जिसका होने वाला है sec स्क्वायर 5x और 5x का 5। सिंपली अगर बात करें तो dy upon dx बराबर 5 इंटू sec स्क्वायर 5x, जो कि हमारा फाइनली आंसर आ चुका है। तो गाइज tan x का होता है sec स्क्वायर x, जो यहाँ पे होता है उसको लिखते हैं। सिंपली हमारा tan x का होता है sec स्क्वायर x, और x का होता है गाइज हमारा 1, जिसको हम सो नहीं करते, हमने आपको डिटेल में समझाया। लेकिन यहाँ पे है गाइज हमारा tan 3x, तो tan 3x का होता है sec स्क्वायर 3x, और फिर 3x का अगेन करते हैं जो कि होता है 3। इसके बाद में गाइज हमारा क्वेश्चन है, अगर बात करें सिंपली इसके फाइनल आंसर की, तो 3 sec स्क्वायर 3x। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू tan 5x, तो tan 5x जिसका होगा sec स्क्वायर 5x, जैसे tan 3x का होता है sec स्क्वायर 3x, क्योंकि यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे हमने लिया 3x, और यहाँ पे है गाइज हमारा 5x तो यहाँ पे आता है 5x। जैसे 3x का होता है 3, सिंपली यहाँ पे होने वाला है 5x का 5। इसके बाद में 5 को आगे रख देते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है, और फाइनली हमारा आंसर आ जाता है। इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, tan 7x, तो गाइज y का होता है dy upon dx बराबर tan 7x जिसका होने वाला है sec स्क्वायर 7x, और फिर 7x का होता है गाइज हमारा 7, और फाइनली dy upon dx हमारा आने वाला है 7 sec स्क्वायर 7x, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है क्वेश्चन नंबर जो भी हमारा था। तो गाइज ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और जिसका हमारा फाइनली आंसर आ चुका है dy upon dx बराबर 7 into sec स्क्वायर 7x। तो गाइज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो गाइज 1, 2, 3, 4। तो गाइज अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि हमारा काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है लेवल 2 के अकॉर्डिंग। तो गाइज y का होता है dy upon dx बराबर, हमने आपको बताया कि जब भी हमारा कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई में होता है वो सिंपली हमारा ऐसे ही आता है, और x स्क्वायर जिसका होता है गाइज हमारा 2x। कैसे होता है इसको समझते हैं। अगर फंक्शन होता है गाइज हमारा y इक्वल्स टू x की पावर 2, तो y का होता है dy upon dx बराबर x की पावर 2, जिसमें हमारा फॉर्मूला लगने वाला है x की पावर n का। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि पावर आगे आती है इंटू एक्स, और जो पावर होती है उसमें से 1 माइनस करते हैं, तो 2 माइनस का 1 जो कि होता है 1। तो गाइज सिंपली हमारा आने वाला है एक्स स्क्वायर का 2x, तो गाइज एक्स स्क्वायर का 2x प्लस बी एक्स, तो b कॉन्स्टेंट है जो कि मल्टीप्लाई में है, तभी हमारा सेम आता है। क्योंकि अगर हमारा कॉन्स्टेंट होता है सिंपली उसके साथ में कोई भी हमारा x का पार्ट नहीं होता, तो उसका हमारा 0 उस केस में बन जाता है। तो गाइज यहाँ पे है b जो कि मल्टीप्लाई में है, वो ऐसे ही आने वाला है, और हमने आपको बताया कि x का हमारा डिफरेंशिएशन या अवकलन जो कि होता है 1 प्लस। तो गाइज c हमारा कॉन्स्टेंट है, लेकिन इसके साथ में हमारा कोई भी x का फंक्शन नहीं है, तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारा होता है 0। इस केस में हमारा 0 हो सकता है, लेकिन जब भी हमारा कोई भी कॉन्स्टेंट फंक्शन
किसी भी x के या x की पावर 2 या x की पावर 3 किसी भी x के फंक्शन के साथ में हमारा होता है तो वो हमारा ऐसे ही आता है। और फिर x का या हमारा कोई भी x का फंक्शन होता है उसका करते हैं डिफरेंशिएशन। जैसे a हमारा ऐसे ही x स्क्वायर का 2x, b हमारा ऐसे ही x का 1, लेकिन इसके साथ में हमारा x का कोई भी फंक्शन नहीं है तो कॉन्स्टेंट का हमारा डिफरेंशिएशन गाइज होता है d अपॉन dx। कॉन्स्टेंट हमारा फंक्शन जिसको हिंदी में कहते हैं नियतांक, तो नियतांक या कॉन्स्टेंट जो होता है उसका डिफरेंशिएशन गाइज हमारा होता है 0। सिंपली अगर बात करें इसके आंसर की तो dy अपॉन dx बराबर 2ax प्लस बी, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है क्वेश्चन नंबर जो भी गाइज हमारा था। तो गाइज ये था हमारा फंक्शन y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका डिफरेंशिएशन 2ax प्लस बी। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो y इक्वल्स टू x की पावर 5 प्लस x की पावर 3। सिंपली y का होता है dy अपॉन dx बराबर x की पावर 5 का हमारा होने वाला है सबसे पहले पावर आगे इंटू एक्स, और पावर में से एक माइनस करते हैं जो कि आने वाला है 4 प्लस x की पावर 3 का 3x की पावर 2, क्योंकि 3 आगे पावर होती है इंटू एक्स, और पावर में से करते हैं एक माइनस। ऐसे हमने आपको कितने ही क्वेश्चन कराए लेक्चर नंबर फर्स्ट में, इसलिए थोड़ा हमारा स्पीड ज़्यादा होने वाली है जब भी हमारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की y इक्वल्स टू x की पावर 7 प्लस साइन एक्स, तो गाइज y का होता है dy अपॉन dx बराबर x की पावर 7, तो 7 आगे इंटू x, और उसकी पावर बचने वाली है गाइज हमारी 6। तो गाइज पावर आने वाली है 6 प्लस साइन एक्स का हमने आपको बताया जो कि होता है cos x, और फाइनली हमारा आंसर भी आ चुका है 7x की पावर 6 प्लस cos x। तो गाइज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद में कुछ और बढ़िया वाले क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो गाइज 1, 2, 3, 4। तो गाइज इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन y इक्वल्स टू साइन 5x प्लस cos 5x। तो गाइज बात करें इसके डिफरेंशिएशन की तो y का होता है dy अपॉन dx बराबर साइन 5x जिसका हमने आपको बताया होता है cos 5x, और फिर गाइज हम 5x का अगेन करते हैं जो कि होता है गाइज हमारा 5। इसके बाद गाइज प्लस cos 5x जिसका होता है माइनस के साइन 5x, और फिर गाइज हमारा 5x का अगेन होता है जो कि होता है इनटू में 5। चाहो तो इस 5 को आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो गाइज माइनस के 5 इनटू में साइन 5x, क्योंकि cos 5x का हमारा होता है माइनस में, तो गाइज प्लस माइनस हमारा होता है माइनस, और 5x का होता है गाइज हमारा 5। और फाइनली हमारा आंसर आ चुका है जो भी हमारा क्वेश्चन था। तो गाइज फंक्शन था हमारा y इक्वल्स टू साइन 5x प्लस cos 5x, साइन 5x का हमारा होता है cos 5x, और 5x का इंटू में 5। इसके बाद में cos 5x जिसका होता है माइनस के साइन 5x, तो माइनस हमने यहाँ पे लगाया, और 5x का अगेन होता है हमारा 5। अगर चाहो तो इसमें से आप 5 ले सकते हो कॉमन, तो गाइज 5 कॉमन लिया तो बचने वाला है cos 5x माइनस साइन 5x, और फाइनली यह रिक्वायर्ड हमारा आंसर आ चुका है। इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो y इक्वल्स टू x की पावर 8 प्लस e की पावर 7x। तो गाइज हमने आपको बताया y का होता है dy अपॉन dx बराबर x की पावर 8, तो x की पावर n के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे, सबसे पहले पावर आगे, तो पावर है गाइज हमारे 8 इंटू एक्स, और पावर में से करते हैं 1 माइनस। इसके बाद में गाइज प्लस e की पावर 7x जिसका होता है e की पावर 7x, और फिर 7x का करते हैं अगेन जो कि होता है 7, और फाइनली हमारा आंसर भी आ चुका है जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर था। तो गाइज आज के लेक्चर में केवल यहीं तक, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग विवेक पाठशाला, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।